वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम यार बहुत स्पेशल वीडियो रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। डक्की भाई और शामी दीदी की सबको दोनों ना मानो मचा रहे हैं दोनों यूट्यूब पे। पर देखो, हम दोनों को सपोर्ट करेंगे। डक्की भाई से हमारी मेरी थोड़ी बात हो चुकी थी पहले मेल पे, एक बार हमने बात की हुई है थी तेरी? तभी तो परमिशन मिलती तभी तो परमिशन मिली थी, ठीक है। ठीक और शाम जी इसको मैंने मेल किया था पहले, उसने आता पहन ही दिया, तो यार बहुत रूड है, ठीक कोई है बात नहीं, ठीक कोई है। कोई बात नहीं, बड़े बात बंदे हैं, बिजी होते हैं। तो यार देखो, हम इस फाइट में ना पहली बात तो बता रहे हैं, जितना हमें लग रहा है जितने हमें लोगों में फाइट चल रही है, हमें पता नहीं उसके बारे में, वीडियो देखिए पता लग जाएगी फाइट चल रही है नहीं चल रही है। हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। वैसे मेरा सॉफ्ट कर्नर डक्की भाई की तरफ से होगा, ठीक है। वैसे अच्छी बात ये होगी अगर लड़ाई ना करें तो, ठीक चल है चल, मैं दोनों। दूसरे को सपोर्ट करता हूँ, दूसरे को सपोर्ट कर, ठीक है? हाँ भाई, डक्की भाई की देखते हैं फैन कौन फॉलोइंग ज्यादा बेटर है ब्रो, मजाक कर रहा हूँ। शामिल की ज्यादा है, शामिल की मिलियंस में शायद है। कौन व्यूज। यार ये लोग, डक्की मतलब भाई नॉर्मल यार यूट्यूबर्स हैं? तू नहीं आता ना। हाँ मतलब विनीत सर की थी मैंने, ये वही तो मैं सॉरी सोचूं यार, चल क्या रहा है, मतलब बोल क्या रहा है, आधे घंटे से लगा हुआ बस बोलने में। इसको पता नहीं। डक्की बता मैं, डक्की भाई जैसे कैरीना थी इंडिया में, डिक्टो वैसे है, डिक्टो अच्छा वो ही मतलब शाम बोल रहे इतनी हैं। जैसे ब्लॉगर है और प्रैंक बनाता है, ठीक ठीक है। ठीक इससे है ठीक है पहले ठीक है। डक्की भाई ने इसके रोज किया था, तो उसने भी रिप्लाई कर दिया इसको अच्छा शाम वो इतनी चिढ़ से गया ने। मतलब। हाँ तो ठीक है, मेरे जो है ना कमेंट लोग करते हैं, बोल रहे शाम इसके फैन है, जो कहते हैं उसकी वीडियो में रिएक्ट करो डक्की भाई की, वो पर यू नो सबकी कैरियर देखना पड़ता है। तो देखिए डक्की भाई को प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम मिला, क्या उसने होगी? प्रॉब्लम क्या होगी इसके बारे में। वैसे सॉफ्ट कोना मेरा डक्की भाई की तरफ से है, कि डक्की भाई हमारी एज का है, तो चल हमारा मैं भी दूर है ट्राई बंदा करता भी, हूँ यार, तो चल देख देख ले ले फिर भी। क्या अरे है। हेडफोन देखो क्या कूल है, हमारे वाले हैं MI स्पॉन्सर। MI तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वन स्पॉन्सर टू। नो स्पॉन्सर। हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, ये कौन? दिस इज ऑसमो डक्की स्पीक्स। भाई ये मेरी स्कैम इबलीस पे आखिरी वीडियो है। इस वीडियो का फॉलो स्कैम अप सिर्फ तब बनेगा जब ये कोई मजीद चवल मारने की कोशिश करेगा, और जो बाकी दल्ले शल्ले वाली मीम है उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो हमारे चैनल पे रहेगी। तो शुरू करते हैं मेरे पेज से। पूरी स्टोरी के एक्चुअली में हुआ क्या था वो मैं तुम्हें कल एक वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने इसी में बतानी शुरू कर दी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। तो उससे भी फिलहाल हम इसकी करेंगे। बाकी की अक्कियां नापेंगे जो ये लगाता रहता है। अच्छा ये बोलता था ना इसके प्रैंक वो फेक होते हैं, डकिया अब मुझे बोलता नहीं लगता है। कि इस अच्छा एवाटार के खब्बे टट्टे की फेकनेस को साबित करने के लिए कुछ बोलने को रह गया है। आई होप कि सारों के अंदर इतनी अकल है कि तुम लोग को पता है कि एक झूठा फ्रॉड बंदा है। अब जैसा कि तुम लोग को पता है कि इस बंदे ने अपने कमेंट्स के अंदर फेक लव्स बैन किया हुआ है, और जब ये चीज लोगों ने ओके एक्सपोज करनी शुरू ऐसा की भी ना, होता तो इस है बंदे ने अपने क्या, चैनल मैं भी पे कर एक रखा है सस्ता सा तो। आर्ग्यूमेंट छोड़ दिया जहां पे ये कहता है, द रीजन व्हाई द वर्ड फेक इज डिसेबल्ड बिकॉज ये शाम मेनी दीदी टाइनी यूट्यूबर्स एंड हेटर्स दे वुड मेक वीडियोस टेलिंग देयर फैंस टू गो एंड कमेंट द वर्ड फेक ऑन माय वीडियोस एंड कॉल शाम फेक, ही इज फेक 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 फेक। मैं अभी भी ओके गारंटी देने को तैयार हूं कि ऐसा एक भी चैनल नहीं होना जिसने ये कहा हो कि तेरे चैनल पे जाके फेक लिखें। अच्छा चलो मान लेते हैं कि किसी चैनल ने कहा था कि तेरे चैनल पे जाके फेक लिखें, मान लिया ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। अब तू मुझे ये बता, तूने स्क्रिप्टेड क्यों बैन किया है? इसके चैनल पे अगर तुम स्क्रिप्टेड भी लिखोगे ना तो तुम्हें वो कमेंट भी शो नहीं होगा। और सिर्फ स्क्रिप्टेड बैन नहीं है, ड्रामा भी बैन है। कोई भी बंदा जो अपनी खुद से यार कॉन्फिडेंट होता है ना कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वो ना तो कमेंट बैन करता है ना तो कमेंट डिलीट करता है। चोर और एग्जैक्टली झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करता है। और मुझे पता है कल को ये बंदा कहेगा, स्क्रिप्टेड गाली है इसलिए मैंने ना बैन किया वे, सारा ड्रामा भी गाली है, स्क्रिप्टेड भी गाली है, फेक भी गाली है, मैंने अपने चैनल पे ना गालियां बैन की हुई खतरनाक है। ये गालियां नहीं है, ये जस्ट एक सच्चाई है जो तेरे चैनल से छुपी हुई है। अब मैं तुम लोग को बंदे असली होते हैं वजह ये बताता हूँ लोग कि इसने फेक स्क्रिप्टेड और ड्रामा जैसे लफ्ज क्यों बैन किए हुए, क्योंकि इसके ना। प्रैंक्स होते हैं फेक, इसके व्लॉग्स होते हैं स्क्रिप्टेड, इसकी शादी तक स्क्रिप्टेड है। कभी इसके घर रात को $10,000 पड़े होते हैं, या तो कभी रात को इसको भूत लड़ जाता है। अब 70% आवाम जिनको पता है कि ये एक चुतियापा है, वो नीचे कमेंट करती है कि एक फेक प्रैंक है, स्क्रिप्टेड व्लॉग है, और ये जो तेरा डिस्ट्रैक्ट है वो जस्ट एक ड्रामा है। अब जब ये स्कैम डिस्ट्रिक्ट इबलीस इन कॉमेंट्स को पढ़ता है ना, इसकी फट जाती है बुंड। इसने तंग आके वो कॉमेंट्स ही बैन कर दी ताकि ये मजीद आवाम को चुतिया बना सके। इसकी फेकनेस पे और बड़े लोगों ने बात की हुई है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा। तो भाई पहली बात तो यह है कि आपने वो एग्जांपल सुनी होगी कि आ बैल नो मुझे मार, यहां पर शाम और फ्रोगी बेसिकली वही काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पे ये रेज होता है कि क्या लोग उनके बारे में हेट स्प्रेड कर रहे हैं, क्या स्प्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिव स्प्रेड कर रहे हैं, नेगेटिव स्प्रेड कर रहे हैं। यहां पर अगर आप लोग मेरे से ये पूछो कि मिस्टेक पर कौन है, वो हेटर्स मिस्टेक कर रहे हैं या शाम एंड फ्रोगी कर रहे हैं, तो भाई मैं सीधा सीधा इसका कसूरवार ठहराऊंगा शाम एंड फ्रोगी को। क्योंकि भाई अच्छा, बात लड़की का यह नाम है कि फ्रॉगी एक है। तरफ से तो आप अपने हाँ हर लड़की चैनल के पर वीडियो लिखते हो देखे कि थे शायद यहाँ पे। स्टॉप दिस ब्ला ब्ला मैं वही सोचूं, ब्ला, मैं शाम लेकिन को दूसरी तरफ से सोचूं। आप वीडियोस बनाने से भी बाज नहीं आते। एक वीडियोस यहां से बनाता है शाम अदरीज, और उसके रिएक्शन पे वहां पर वीडियो बनाती है फ्रॉगी, और फिर फ्रॉगी जो वीडियो बनाती है उसके रिएक्शन पे वीडियो बनाता है शाम अदरीज। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बनाते हैं अच्छा रिएक्शन वीडियोज, और दूसरी तरफ हर थंबनेल पे ये
लिखते हैं प्लीज स्टॉप दिस, वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस एनी मोर एंड दे डू लव पीपल टू टॉक अबाउट देम। सो भाई यहां पर बात ये है कि चीप पब्लिसिटी, इसको मैं कहूंगा कि चीप पब्लिसिटी स्टंट जो है वो यहां पर ऐसे दोनों की तरफ से, ये बात थोड़ी गलत है, उनकी मर्जी है कुछ भी करे, सो कॉल्ड पर्सनल है तो भाई अगर ये उनकी मर्जी है ये कुछ कर सकते हैं बस ठीक है, हमें पता चल गया कि आप लोगों का हुआ था ब्रेकअप, अब इतनी ज्यादा वीडियोस बनाने का क्या मकसद है, अब इतना ज्यादा पब्लिक स्टंट करने का क्या मकसद है, ये तो फिर डेफिनेटली आपकी जो थोड़ी बहुत है आप उसको भी कर रहे हो लूज एंटरटेन कर रहे हो, मेरी तो भाई मैं भी किसी के साइड नहीं है, बता रहे हैं बस, लेकिन लिटरली जब से लोगों ने टोपी ड्रामा करना शुरू किया है मुझे तो ये दोनों जहर लगते हैं। और वाकई सही बात है, ये बंदा अटेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और जब इसको अटेंशन नहीं ना मिल रही होती, रात सारी इसको नींद नहीं आती, जिस्म में खारिश शुरू हो जाती है इसकी, और फिर ये इस जैसी चवली मारता है जो यकीन करो 2018 की बिगेस्ट चवली होनी है। ये लोग इंतहाई डरपोक हैं, एब्सोल्युटली इनसिक्योर पुसी। इंटरनेट पे एक वीडियो है, आई एम श्योर तुम लोगों ने देखी होगी, मैं इसका फेस ब्लैकआउट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी कंट्रोवर्सी में पड़े। इसने अपनी वीडियो में सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया कि मुझे इस मैडम की नाम से कॉपीराइट स्ट्राइक आई है। माय वीडियो हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम यूट्यूब ड्यू टू कॉपीराइट रीजंस। बस और कुछ भी नहीं है, ना कोई गाली है, ना कोई जुगत है, ना कोई इंसल्ट है, कुछ भी नहीं है। इस डेंजरस ऑफुल क्रिटिसिज्म को सुन के इन मैडम का क्या हाल हो गया है ये भी देख लो। गाइस अ लॉट ऑफ पीपल डू दीस काइंड ऑफ थिंग्स फॉर सिंपैथी एंड जस्ट टू गेट लव एंड अटेंशन फ्रॉम अदर पीपल। तो कर रहा था आई डिडंट रिस्पोंड टू पीपल्स लिटिल हेट वीडियोस। हेट वीडियो थी वो, ओए दिमाग सेट है तुम्हारा। और ये बंदा उससे भी ज्यादा फुस्सा है, 15-16 साल के बच्चे ने एक वीडियो बनाई जिसके अंदर सिर्फ उसने ये बताया कि इनका ये जो डिस्ट्रैक्ट ड्रामा है ये फेक है, और वाकई फेक है। कोई गाली नहीं है इस वीडियो में, कोई इंसल्टिंग बात नहीं है, कोई जुगत नहीं है। और ये वीडियो देखे इस बंदे की कितनी फटी है वो भी देख लो। Always two sides to a story, remember that, because you read something on the internet doesn't mean it's true, guys. ये मतलब होगा थोड़ा सेंसिटिव है शाह जी। Right now, make them famous, but come on, Team Rebels, we can't do that. We're not gonna make people famous, right? वो चल। Dogs bark to get attention. अच्छा वो जिन्होंने जस्ट एक अपना इंटरनेट पे ओपिनियन दिया है वो कुत्ते हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स कम हैं। वो इररिलेवेंट हैं, कुत्ते हैं क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स कम हैं। लेकिन प्लीज मैं चवल हूँ, मैं बगैरत हूँ, मैं चूतिया हूँ, लेकिन ये सारी बातें मेरे सब्सक्राइबर्स के पीछे छुप सकती हैं। मैं फ्रॉड हूँ लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। वो सारे कुत्ते हो गए हैं क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स कम हैं। शामिंद्री मेरी बात सुन, कुत्ते वो नहीं है, कुत्ता तू है। अपनी मम्मी को बोल के तुझे कॉम्प्लेन पिलाए। ओके देखो ज्यादा नहीं, ज्यादा बहुत ज्यादा हो गया भाई। ये बंदा इंतहाई अनफनी है, एंड लेवल का जो चुसर नहीं होता ये उसका भी पे हुआ है। यकीन करो अगर तुम्हारा दोस्त इसकी वीडियो देखते हुए तुम्हें पकड़ लेना, इससे 10 गुना बेहतर है कि तुम वैसे ही मार जाओ। ये इसकी कुछ ठंडी तरीन चुस्से हैं जिसको इसने फनी सॉरी फनी वीडियो का नाम दिया हुआ है इस चुस्स को। नॉक नॉक, हू इज देयर? $5. $5 हु? $5 दे दो बेटा, बाबा के बस का किराया है। ठंडी चुसिया घटिया वीडियो बनाने में कोई मसला नहीं है, हम सब बनाते हैं, लेकिन अगर कोई ठंडी चुसिया बकवास वीडियो बना के ऐसी बातें करेगा तो बंदा पहली वीडियो YouTube वो चीज से फिटे मुंह वाली लात ना दे गाइस। सही है, Facebook पेज फजलुद्दीन इज द बिगेस्ट देसी कैरेक्टर, बिगेस्ट 150। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इतनी चुसिया बकवास ठंडी वीडियो पे सो फनी जैसे कमेंट कैसे हो सकते हैं। इसकी मैं तुम्हें वजह बताता हूँ, क्योंकि अगर तुम इसकी वीडियो पे बोरिंग लिखोगे ना तो तुम्हें वो कमेंट भी शो नहीं होगा, क्योंकि बोरिंग लफ्ज ही बैन है। और सिर्फ बोरिंग बैन नहीं है, बकवास वीडियो भी लिखोगे ना तुम्हें वो कमेंट भी शो नहीं होगा, क्योंकि बकवास भी बैन है। और एक मजे की बात बताऊं, चुस भी बैन है, चुस CHUSS चुस वो बैन है। अभी लगातार लगा हुआ है, चुस भी लिखोगे ना तो तुम्हें कोई एंड लेवल की ये भी गायब। इनसिक्योरिटी का हाल देखो, चुस बैन है, चुस। आज तक जिंदगी में किसी ने चुस नहीं बैन किया होना। मैंने बकवास और चुसिया वीडियो बनाई है लेकिन मुझे कोई कुछ कहे ना। मैंने बकवास वीडियो बनानी है, मैंने अनफनी चुसिया टट्टी वीडियो बनानी है लेकिन मुझे कोई कुछ कहे ना। कमेंट में कोई चुस ना लिखे, कमेंट में कोई बोरिंग ना लिखे, सारे हाँ 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 सो फनी और सो क्यूट। जो बकवास लिखते गाली नहीं है कम अज कम वो वैसे ही बैन है। अब मैं तुम्हें काम कैसे करता है, अगर तुम बकवास या बोरिंग
देखोगे तो वो हो जाते हैं बैन, मतलब वो सिर्फ तुम्हें शो होंगे और किसी को शो नहीं होंगे। और अगर कोई गलती से कमेंट अप्रूव हो जाता है वो इसे कर देते हैं डिलीट। सेम चीज फेसबुक पे है, इसलिए तुम लोग हैरान ना हुआ करो कि इसके चैनल पे तुम्हें कोई चुस करके कमेंट नहीं मिलता। लेकिन फिर क्या हुआ, ये कुछ कमेंट डिलीट करना भूल गया और वो इसके पेज पे रह गए। अब इनमें कोई चुस बकवास या बोरिंग तो नहीं है क्योंकि वो तो वैसे ही हाइड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट है जिसके अंदर चुस बकवास और बोरिंग तो नहीं होता लेकिन वो ऑनेस्ट कमेंट होते हैं। पढ़ते हैं जरा। आई विल जस्ट से पुअर कॉमेडी कैंसर बीसी ओए दल्ले व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम वाचिंग दिस ओवर एक्टिंग भोसड़ी के What's so funny about this video? Your direction level is zero. You don't know how to make videos. Ha 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 ha. I could not figure out where I was supposed to laugh. Why almost all your thundi videos are about girls? Look how loved Fazluddin is. ये वो comment है जो तेरे channel पे होने चाहिए, लेकिन तू एक डरपोक टट्टा लेस बगैरत इंसान है जिसे सच्चाई है। क्या हो गया इस बंदे को यार? जिसने बैन किया है वो देख के वीडियो ये। Seriously. Copied. अब ये बंदा videos चुराता है। Inspired नहीं होती हैं वो। चुराता है। अब मेरे चैनल पे भी एक दो वीडियोस ऐसी हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि इसके चैनल पे 70% वीडियोस चुराई हुई हैं। और कुछ अकलमंद लोग जिनको इस बात का पता है कि इसने वीडियो कॉपी की है, वो इसके चैनल पे जाके लिखते हैं कि तूने फलां बंदे की कॉपी की है। अब इस बंदे की वो कॉमेंट्स देख के फट जाती है। इसने कॉपी वैसे ही बैन कर दी ताकि कोई कुछ कह ही ना सके। और न जाने कितनी सच्चाई और यही सब पिछले दो सालों से पाकिस्तानी आवाम की नजरों से छुपा हुआ है। खोलो अभी भी टाइम है। अब तुम लोगों को याद होगा कि मैंने अपने रोस्ट वीडियो में बोला कि पहले ये कुछ ऐसे दिखते थे और अब गांड में टीके लगवा लगवा के कुछ ऐसा हो गया। मैंने जोक बोला लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट लगी, इतनी दिल पे ले ली ना उसने ये बात। इतना रोया वो इस बात को लेके कि उसने एक बार नहीं दो बार अपने चैनल पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि बच्चों मैंने फेयरनेस टीके नहीं लगवाए, मैं तो पैदाइशी कर रहा हूँ भाई। अब एक झूठे बंदे की निशानी पता क्या होती है कि उसको याद ही नहीं होता कि उसने किसको कौन सी बात बोली हुई है। सेम केस यहाँ पे हुआ। पहले ये बंदा कहता है फेयर एंड लवली, सारे तो यही कहते हैं वरना आपका रंग कैसे गोरा हो गया है। अब ये शादी कर ले, सूरज की वजह से डार्क हो गया। एक चीज डिसाइड कर ले, पहली बार तेरे से किसी ने पूछी नहीं जो तू एक्सप्लेन करने बैठ गया। ये तो वही चोर की दाढ़ी में टिंके वाली मिसाल हुई कि नहीं, जिसमें दोनों आर्गुमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है, ये बोल के तूने साबित कर दिया कि हाँ मैं अपने रंग को लेके बहुत इनसिक्योर हूँ और काफी घबराया हुआ हूँ कि किसी को पता ना लग जाए। मुझे शादी कर ले, टेंशन नहीं लेनी, ये मैं लेके आया हूँ तेरे लिए शादी कर ले फेयरनेस क्रीम। मुझे कहीं क्या तू $1000 खर्च के गोरा होता है यार, तू ये ट्राई कर ₹50 की शादी कर ले फेयरनेस क्रीम है। ये जो हजारों डॉलर जो टीके लगवा के अपने आप को गोरा करते हैं ना, इसकी जगह ना अपने दिमाग का इलाज करा ताकि तू झूठ काम बोले, फ्रॉड काम करे और फुद्दू काम काटे। मुझे लग रहा लकी भाई के दिल पे लगी बात है कुछ कल ले रहा भाई तगड़ी वाली। एक और जो इसने बड़ी गिरी हुई हरकत की है, कहता है कि मैंने इसका फेसबुक पेज इसलिए स्ट्राइक किया है क्योंकि इसने मेरी बहन और फैमिली पे डर्टी थिंग्स पोस्ट की हैं। What they got removed was actually very offensive. When they continue to upload memes and dirty things about me, his family, his sister. मैंने अपने पेज पे तेरी बहन और फैमिली का नाम तक नहीं लिया। और जितने भी 2.5 लाख लोग जिन्होंने पेज लाइक किया था मेरा, अगर तुम लोगों में से किसी को भी पता है कि मैंने इसका पेज 2.5 लाख का पेज था, तो मुझे फेसबुक पे काम करता है तो प्लीज मुझे मेरे पेज का डाटा निकाल दो और मुझे दिखाओ कि इसकी बहन और फैमिली मेंशन भी कहां हुई। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे छोटा, ये बात मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ दिखाने के लिए कि ये बंदा इतना गिरा हुआ है कि अपनी बहन को बीच में लाने को तैयार है, अपनी बहन को मुफ्त में गाली परवाने को तैयार है सिर्फ इसलिए ताकि किसी दूसरे बंदे की इमेज डाउन हो सके। ये वो मीम है जिसका इसने रंडी रोना लगाया हुआ है, बहुत ही ऑफेंसिव मीम है, थ्रेटनिंग, और 10-15 लोग तो वैसे ही बेहोश हो गए मीम देख के। एक ये मीम है, ना कोई गाली है ना कोई ऑफेंसिव बात है, क्या कहता है ये? Actually very offensive. एक ये वीडियो मीम। I've decided to quit YouTube. I've decided. ये पब्लिक सी चंडू हमेशा। ये बहुत गंदा लगता है यार। Quit YouTube. Social media. Froggy. I'm gonna prank Froggy today. Your reaction. बस इसके आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है, ना कोई गाली ना ये बात होती है भाई, इसकी बहन ना इसकी फैमिली, क्या कहते हैं ये? कुछ ना किया हो तो बेकारी किया, इसे ऑफेंसिव नहीं कहते, सही कर रहा है किसको है और दल्ले, ये थी ऑफेंसिव मीम, ये पढ़ ले बांध ले अपने कल को काम आएगी। एक
और जो इसकी नफ्सियाती बीमार होने की जो मिसाल है ना वो ये है कि अपने इतने चाट लेते हैं जितना कोई दूसरा नहीं चाटता हूं। ये इसकी कुछ क्लिप्स हैं जहां पे ये आवाम को यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि मैं भी क्यूट लोगों के अंदर शामिल होता हूं। क्यूट? मेरी बात कर रही हैं आप? अच्छा मान लिया कि तू क्यूट है। आगे? वेरी क्यूट। थैंक यू। ठीक है दलिया, मान लिया, तू पहले भी कोई 10 बार बता चुका है, कोई नई बात बता। आगे? He was so good looking. वर गए यार। चलो एक बार बंदा चाट लेता है अपने, चलता है, दूसरी बार चलता है, तीसरी बार भी चलता है, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, तू अपने आप को एम्बैरेस कर रहा है और तुझे इस बात का पता ही नहीं है। वैसे तो तुम्हें इसके पूरे लाइफ टाइम करियर में कहीं भी हंसी नहीं आएगी, लेकिन इसके चैनल पे एक जगह है जहाँ पे तुम्हें हंसी आ सकती है, वो है इसका अबाउट सेक्शन। पढ़ते हैं क्या लिखा है। श्याम इदरीस हैज टेकन ओवर द देसी बॉलीवुड मार्केट थ्रू बीइंग एन एंटरटेनर सॉन्ग राइटर। ये तेरी मैं गलतफहमी दूर कर देता हूँ, हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड की जो टट्टी है ना टट्टी, उसमें भी तेरे से ज्यादा एंटरटेनमेंट होनी है। और सॉन्ग की तो तू बात ही ना करना, गानों का सत्यानाश, सत्यानाश किया है तूने। ये मतलब ऑटो ट्यून ही यूज करता ना, ऑटो ट्यून से तो आवाज बेहतर होनी चाहिए। ये पता नहीं क्या यूज करते लेकिन कसम से ऐसी आवाज आ रही होती है जैसे किसी बकरी को जूते मार रहे हो। अपनी औकात दिखाते हुए ट्वीट किया जिसमें ये हैशटैग डालती है हैशटैग स्मॉल यूट्यूब आर्मी हैशटैग पाकिस्तानीज और आगे बीमार शक्ल वाली इमोजी डालती है जिसके मुंह में थर्मामीटर। एवरी लिटिल स्मार्टी पैंट्स हु वांट टू जंप ऑन द फेम बैंडवैगन विद आवर नेम्स इज अ पाकिस्तानी एट दिस पॉइंट। यू नो व्हाट्स इवन फनियर, दीस लिटिल 20 इयर्स ओल्ड डोंट हैव द गट्स टू से दिस शिट, दे ट्राई टू ट्वीट ऑन देयर टाइनी पेजेस टू आवर फेसेस। आई विश आई कुड गेट देम आउट ऑफ देयर लिटिल हट्स इन पाकिस्तान and knock them out cuz that's how small they are. यार अगर तुम्हें पाकिस्तान या उनके लोग इतने ही छोटे लगते हैं तो तू कभी आके तो देख, और तू कभी आई हो तो बताओ, किसी दिन आओ मैं तुम्हें दिखाऊंगा भाई यहां पे बहुत बड़ी चीजें हैं, हम आपको पिशावर घुमाएंगे। वड्डी तू अंग्रेज, इवन इसके खुद के फैंस इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। यार तुम खुद को कोई बड़े सेलिब्रिटी समझते हो, बस ये हेटर्स का ड्रामा बंद कर दो और अपनी औकात पर वापस आ जाओ टाइनी सेलिब्रिटीज। यू डोंट नीड टू मेंशन पाकिस्तान इन योर एवरी ट्वीट लाइक यू आर फ्रॉम अनदर प्लेनेट। यू कैन ट्वीट एज मच एज यू वांट एंड हेट ऑन पीपल एज much as we want without mentioning Pakistan in your tweet. Be careful next time. ये उन्हीं में से हैं जो कंटे के नाम लोग को भी बार जाके tiny Pakistani little huts in Pakistan. इस फ्रॉगी के टॉपिक पे ही रहते हुए ना, I want to talk about hijab. ये एक बड़ा ही अच्छा तरीका हुआ करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, ओवरऑल अपने आप को कवर करने का। लेकिन फिर ये आ गया, इस औरत ने जितनी हिजाब की माँ बहन एक करके मिस यूज करके इंसल्ट किया है ना, यकीन करो इतना काफिर भी नहीं करता हूँ ना। हिप हॉप म्यूजिक रैपिंग डांसिंग शुरू की हुई है हिजाब पहन के। मुझे पता है हिजाब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन फक शिट मैन, मैं हिजाब पहन के रैप भी करूंगी, मैं उसकी इंसल्ट भी करूंगी, बिकॉज व्यूज मैन व्यूज। और ये सिर्फ अकेले नहीं है जिसने हिजाब की माँ बहन एक करनी शुरू की हुई है, ये बंदा भी उसमें बराबर का ही शरीक है। कुछ दिन पहले ना पनिशा मुस्लिम डे करके बड़ी एक ट्रेंडिंग पे चीज जा रही थी, और जब भी तुम टाइटल पे पनिशा मुस्लिम या इंसल्टिंग अ मुस्लिम या इंसल्टिंग हिजाब करके कुछ भी टाइटल पे डालते हैं ना, तो 5-6 लाख व्यूज तो कहीं नहीं गए। ये बंदा अब मुझे नहीं पता इसके ज़हन में क्या चल रहा, वीडियो बनाता है जिसका सिर्फ टाइटल पढ़ के ही ना तुम्हें घिन आएगी। ये देखी मैंने, साड़ी मुक्का मारता, ये देखी मैंने साड़ी मुक्का मारता। एक ट्वीट है जो मुझे किसी ने सेंड की थी, सो दिस गाय इज नाउ यूजिंग द हाइप ऑफ पनिश अ मुस्लिम डे एज अ क्लिकबेट फॉर हिज स्टूपिड वीडियोस एंड इंसल्टिंग द हिजाब एट द सेम टाइम। 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर, व्हाट अ डिसग्रेस। और जब ये बात इसके अगेंस्ट गई ना, जब कुछ लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया और कुछ लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, तो बाद में टाइटल चेंज करके रख दिया हेटर प्रैंक गॉन सीरियसली रॉन्ग, पुलिंग हिजाब ऑफ प्रैंक से हेटर प्रैंक गॉन रॉन्ग। मैं गारंटी देने को तैयार हूं कि ये सब होने के बाद भी ये दोनों हिजाब की इंसल्ट करते रहेंगे, हिजाब में हिप हॉप म्यूजिक बनाते रहेंगे, उसमें रैपिंग करते रहेंगे, उसमें डांसिंग करते रहेंगे, और ये बंदा पुलिंग हिजाब को क्लिकबेट करता रहेगा। तो इन खोतों को दफा मारो, हम खुद ही अवेयरनेस फैलाते हैं। हैशटैग रिस्पेक्ट हिजाब, हैशटैग रिस्पेक्ट हिजाब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब की हर वीडियो के नीचे मुझे नजर आना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, हैशटैग रिस्पेक्ट हिजाब। इनका ना पूरा आमिर लियाकत वाला सीन है। वो क्या करते हैं, एक तरफ आलिम ऑनलाइन चलाते हैं और एक तरफ गालिब फिल्म की नाजुक सूरत हाल हुई होती है। इनका भी यही सीन है, पहले दोनों मिलकर मैक्सिमम पैन यकिया लगाएंगे और जब हेट आना शुरू होगी तो उसे और करने के लिए जबकि यही लोग हिजाब की इंसल्ट करते आए होते हैं। इतना बड़ा वीडियो लेकिन लग ले रहा है इतना बड़ा होगा ना, 20 मिनट का वीडियो।
ये बंदा हमारा नेशनल YouTube हीरो भी है, यही तो है हमें बचाने वाला। 150 million views, 29 to 30 million views, almost 500 million views, one billion views. We need to show pride of the biggest Pakistani social media star right now. किस ले वो इतनी क्यों चढ़ गए ये लोग हमें? ये लो ट्रॉफी रख लो मेरी तरफ से, ये लो ये स्प्रे भी तेरा हुआ, शादी का